नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका रन फॉर टेक्नोलॉजी पर। दोस्तों काफ़ी आपको लिथियम बैटरी के वीडियो दिखाई हैं और दिखाते भी रहते हैं, सोलर पैनल की वीडियो दिखाई हैं, लेकिन दोस्तों लोगों के सामने एक समस्या आती है कि जो बैटरी होती है वो फट जाती हैं, आग लग जाती है। और काफ़ी समस्या ऐसी भी आती हैं, लोग बैटरी तो खरीद लेते हैं लेकिन उनके बाद में जब वो कुछ समय चल जाती हैं तो उनका बैकअप डाउन हो जाता है। ई रिक्शा में लगाते हैं, शुरू में तो ई रिक्शा ऐसा होता है 200 से 250 किलोमीटर या 150, 100, 200 जो भी गारंटी कंपनी देती है वो चलती हैं, लेकिन उसके बाद में उनकी स्पीड डाउन हो जाती है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपके लिए ये बैटरी मेरे सामने आप देख रहे होंगे, ये हैं तो लिथियम बैटरी लेकिन ये लिक्विड कूल बैटरी हैं, ये काफ़ी बेहतरीन बैटरी हैं। सर इनके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, आखिर इनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मैं आकाश गुप्ता, मैं क्लीन इलेक्ट्रिक से हूँ जी सर। एंड ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बैटरीज हैं, ये दुनिया की पहली बैटरी है जो लिक्विड कूलिंग को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में हम ला पाए हैं। जी सर। ये हम एक्सपो वन, ईवी एक्सपो वन में लाए थे, ये थर्ड ईवी एक्सपो है। अभी ये प्रोडक्शन में जा चुकी हैं और ये दो बैटरी मॉडल है, इंस्टा 240 और इंस्टा 250, 2.5 किलोवाट आवर का, और ये दोनों ARAI से सर्टिफाइड है, AIS 156 फेज 2 अमेंडमेंट 3। उसमें थर्मल रनअवे जो स्पेशल टेस्ट है, पिछले साल बहुत आग लगी गाड़ियों में, सरकार कुछ कड़े नियम कायदे लेके आई है और ये ऑलरेडी दोनों बैटरियों उन सारे नियम कायदों को पास कर चुकी है। और इसमें सिंस ये एक लिक्विड कूल्ड बैटरी टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर एक वाटर पंप है। सर, जो हमारे जो व्यूवर्स हैं तो लिक्विड कूल्ड का मतलब समझाइए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, खुलासा कीजिए। तो बेसिकली क्या होता है, मार्केट में जनरली एयर कूल्ड बैटरी होती है या इनडायरेक्ट लिक्विड कूल्ड बैटरी होती है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एयर लिक्विड कूल्ड बैटरी है। इन पर हमारे 7 पेटेंट हैं, हमारी टीम में दुनिया भर के IIT से लोग इस टेक्नोलॉजी का निर्यात और निर्माण कर रहे हैं। और इसमें जो है एक पंप होता है जो कूलेंट को घुमाता रहता है, और इसमें हीट सिंक है, इस साइड और इस साइड हीट सिंक है, और इसकी बॉडी जो है एल्यूमिनियम की बनी हुई है, तो जो भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम में जो हीट जनरेट होती है लिथियम आयन बैटरी में, वो उसका जो कूलेंट है वो सेल से हीट कूलेंट में लेता है, कूलेंट से हीट एल्यूमिनियम के थ्रू हवा में छोड़ देता है। इससे क्या होता है कि बैटरियों को गर्म नहीं होने देते और आग भी नहीं लगने देते। बैटरियों में आग तभी लगेगी जब इसका टेम्परेचर 120 डिग्री जाएगा। इसमें जो कूलेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 350 डिग्री पे आग पकड़ता है, उसका जो ज्वलनशील तापमान है वो 350 डिग्री सेल्सियस है, तो 150 से 350 तक वो टेम्परेचर कभी बढ़ने ही नहीं देता है। इसी कारण से ये फायर प्रूफ बैटरी हैं। और जब ARAI जो देश की सबसे बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है, जब उन्होंने इसकी टेस्टिंग करी, उन्होंने ये इसमें लिख के दिया है कि इस बैटरी में कोई थर्मल प्रोपोगेशन नहीं हुआ है। एक के बाद एक सेल फटने लगते हैं, उसको थर्मल प्रोपोगेशन बोलते हैं। इसमें जिस सेल पे वो टेस्ट किया गया वो सेल भी नहीं फटा, और अगल बगल के फटने की तो दूर की बात है। तो ये बहुत सेफ टेक्नोलॉजी है, लाइफ अच्छी मिलती है, 3 साल बाद भी हमारी गारंटी है। अगर आपने 100 किलोमीटर से चालू किया है तो 3 से 4 साल बाद भी ये 70 से 80 किलोमीटर देगी ही देगी। नहीं, कुछ बैटरी ऐसी होती है ना कि शुरू में ठीक बैकअप देती हैं लेकिन उसके बाद में उनका बैकअप डाउन होता चला जाता है। तो इसमें क्या है, लिक्विड कूल्ड सेल जो है इसमें 140 सेल हैं लमसम, तो 140 सेल अगर सब अलग अलग टेम्परेचर पे रहेंगे ना, तो जो सेल कोने में है, जो सरफेस के पास है, वो ठंडा हो जाता है। जो सेल बीचों बीच है उसको अपनी हीट डिसिपेट करने की जगह नहीं मिलती। ये है टेक्नोलॉजी, मतलब यही कारण है कि एयर कूल्ड बैटरी आप 3 साल बाद वो 40-50 किलोमीटर रेंज बच जाती है उसकी। हमारे ऐसे कई कस्टमर हैं जिन्होंने शुरू में 160 किलोमीटर रेंज मिलती थी इलेक्ट्रिक कार में, अभी उनको 30-40 मिल रही है 1,25,000 किलोमीटर के बाद। फिर वो हमारी लिक्विड कूल्ड बैटरी दे रहे हैं, हम उनको 2.5 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रहे हैं इलेक्ट्रिक कार में। तो लिक्विड कूलिंग के कारण क्या होता है, सारे सेल समान टेम्परेचर पे होते हैं। हमारी बैटरी में 2 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है 140 सेल के बीच में, और सभी समान रूप से बिहेव करते हैं, तो इसीलिए ये 3 साल बाद भी इसकी लाइफ खराब नहीं होती बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। सर, इसकी जो कॉस्ट है जो ऑल लिथियम बैटरी उनसे थोड़ा ज़्यादा होगा या फिर सेम होगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि इसमें हम अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें एल्यूमिनियम केसिंग मिलती है आपको, हीट सिंक्स होते हैं, इसमें वाटर पंप होते हैं, इसमें कूलेंट होता है, इसमें सीलिंग करने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है ताकि इसकी परफॉर्मेंस बढ़ाई जाए। मैं ये बोलूँगा कि ये बैटरी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, हमने इसको ऐसे सॉल्व किया है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा ना बढ़े, और ज़्यादातर हमारी बहुत सारी टू व्हीलर की बैटरी जो है कॉस्ट इफेक्टिव है एंड कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, और यही कारण है कि इंडिया में लोग खरीद पा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर हम कोई महंगी चीज़ बना दें तो उसका अडॉप्शन हो ही नहीं पाता है। हमारा ऑलरेडी पुणे चाकन में प्रोडक्शन चालू है एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉम्पिटिटिव है, प्राइसेस ज़्यादा नहीं है प्राइसेस।
ये जो बैटरी है टू व्हीलर के लिए, थ्री व्हीलर के लिए, इसमें टू व्हीलर के लिए कौन सी बैटरी है इसमें? हाँ, तो ये टू व्हीलर थ्री व्हीलर दोनों में यूज़ हो सकती है। ये 48 वोल्ट और 60 वोल्ट की बैटरी है। इस बैटरी का वजन जो है 14.5 किलो है। तो ये लोग स्वैपिंग में भी यूज़ करते हैं, जिसमें दो बैटरी डाल दी, पैरेलल में कनेक्ट कर दी, तो थ्री व्हीलर और टू व्हीलर में लगाना है, तो एक बैटरी आपको 112 किलोमीटर का रेंज दे देती है एक फुल चार्ज में। 112 किलोमीटर का रेंज दे देती है, 100 से 112 किलोमीटर, डिपेंड करता है आप किस स्पीड पे चला रहे हैं, कैसा चला रहे हैं। बट ये हमने टेस्टिंग करी है, ये सारी बैटरियां 100 से 112 किलोमीटर का रेंज दे रही हैं अलग अलग कंडीशन में। तो एक चार्ज, तो चार्जिंग समय क्या होगा सर इनका? ये बैटरियां जो है ये कॉम्पैक्ट है, और इसका अलग अलग खासियत है, इनकी रिमूवेबल के लिए डिज़ाइन किया। 10% से लेके 80% की जो चार्जिंग है ये 50 मिनट में हो जाती है 2 किलोवाट के चार्जर के साथ। 50 मिनट में 10% से 80% चार्जिंग 2 किलोवाट के चार्जर से 50 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है। अच्छा, इसके लाइफ साइकिल क्या होंगे सर? इसमें हम 1200 साइकिल की वारंटी देते हैं, कुछ प्रोडक्ट में 1000 साइकिल की भी वारंटी है, बट हमारे टेस्टिंग के हिसाब से हमें लगता है 1500 से 2000 साइकिल लाइफ आपको इस बैटरी से मिलेगा, जो कि अगर एक चार्ज में आप 100 किलोमीटर चल रहे हैं तो 1,20,000 से लेकर 2 लाख किलोमीटर की लाइफ है। और कोई भी स्कूटी या थ्री व्हीलर 2 लाख किलोमीटर से ज़्यादा, 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल पाती हैं। तो ये आपको चेंज नहीं करानी है आपके पूरे कार्यकाल में, आपको बैटरी चेंज कराने की नौबत नहीं आएगी। सर, अब काफ़ी जानकारी आपने इन बैटरियों की दे दी, अब हमारे लोग इसे खरीदेंगे कहाँ से? इसको आप क्लीन इलेक्ट्रिक की वेबसाइट से जाके खरीद सकते हैं, वहाँ पे इंक्वायरी का ऑप्शन है। ये दो बैटरियाँ खासकर हम ज़्यादातर B2B बिजनेस में हैं। अगर आपके पास डीलरशिप है, आपको 50 बैटरी चाहिए, 100 बैटरी चाहिए, तो हम जनरली एक दो बैटरी नहीं सप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि हमारा B2B बिजनेस है। बट आप cleanelectric.in वेबसाइट पे जाके ये बैटरियों की इंक्वायरी कर सकते हैं, हमारी टीम आपको सारी जानकारी और कैसे हम आप तक पहुँचा सकते हैं, पूरे इंडिया में डिस्पैच करके ट्रेन, बस, कोरियर के द्वारा कहीं भी पहुँचाई जा सकती है। एंड आप cleanelectric.in पे जाके ये चीज़ देख सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। सर, जैसे आप काफ़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हो, आपने एक स्कूटी की जो बैटरी बनाई थी आपने 10 मिनट में चार्ज की थी, क्या इन पर भी कुछ समय घटेगा 50 मिनट की जगह आने वाले समय में? बिल्कुल, हम इस पर काम कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि अगले साल तक इसमें जो चार्जिंग टाइम है हम 15 से 25 मिनट तक, आप अगले एक्सपो में आएंगे तो ये जो छोटी छोटी आप बैटरी देख रहे हैं ये सब 15 से 25 मिनट में चार्ज हो रही होंगी। क्या है कि हर चीज़ का एक बैलेंस होता है, कई बार हमें कॉस्ट प्रायोरिटी देनी होती है, कई बार चार्जिंग टाइम प्रायोरिटी देनी होती है। हम आज भी इसको 10 मिनट 15 मिनट में चार्ज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है, तो हम समय के साथ उस चीज़ को कम कर रहे हैं कि हम फास्ट चार्जिंग भी दे पाएँ और कॉस्ट भी कम कर पाएँ। तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है रिसर्च और डेवलपमेंट में, शोध करने में, तो हम जैसे जैसे इस पर और काम होगा अगले साल हम और कॉस्ट इफेक्टिव करके इसको 15 से 25 मिनट के अंदर अंदर चार्ज कर देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, सर ने बहुत बेहतरीन जानकारी इन बैटरियों के बारे में दी है। जब अगला एक्सपो लगेगा, जिन बैटरियों की 50 मिनट चार्जिंग हो रही है, सर का वादा है 10 से 15 मिनट या 20 मिनट में चार्जिंग समय इनका कर देंगे। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, अगली वीडियो भी इनकी ज़रूर बनाने आएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारे पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।